नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। पेश है जनपद हापुड़ की आज की बड़ी खबरें। धोलाना में महिलाओं से 60,000 रुपए की लूट। जनपद हापुड़ के थाना धोलाना क्षेत्र में 60,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है, जहां मयूरी सवार दो महिलाओं से बाइक सवार बदमाश पैसे और कागजात लूट कर भाग खड़ा हुआ। छज्जूपुर निवासी शबाना अपनी जेठानी शमीम के साथ सिरोधन में बैंक से 60,000 रुपए निकाल कर लौट रही थी कि धोलाना रोड पर बाइक सवार बदमाश ने लूट को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। NH9 के दोनों ओर काटी जा रही हैं अवैध कॉलोनियां। जनपद हापुड़ में अवैध निर्माण जोरों पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट एरिया में धड़ल्ले से ये अवैध निर्माण किया जा रहा है। यदि गौर किया जाए तो मसूरी से लेकर गढ़ तक हाईवे के दोनों ओर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। कॉलोनाइजेशन के विरुद्ध जल्द ही SPDA के अधिकारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। एक और कोरोना मरीज ने तोड़ा दम। जनपद हापुड़ में मंगलवार को कोरोना के 4 मामले सामने आए, जबकि एक मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं 4 कोरोना मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट गए। बता दें कि अभी तक जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 221 से बढ़कर 222 हो गई है। वहीं जिले में सक्रिय केसों की संख्या 17 है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति पर पैनी नजर बनाई हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर की मौत। जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला शक्तिनगर में सोमवार की रात एक किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किशोर ने आत्महत्या कर ली। उसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान 15 वर्षीय गौरव के रूप में हुई है। किसानों ने मांगा गन्ने का भुगतान। भारतीय किसान यूनियन भानु हापुड़ के जिलाध्यक्ष पवन हुड के नेतृत्व में मंगलवार को कलेक्ट्रेट हापुड़ में सिंभावली और ब्रजनाथपुर शुगर मिल पर किसानों का 500 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना पेमेंट और गन्ना पर्चियों की समस्याओं को लेकर धरना दिया और जिलाधिकारी अनु सिंह को एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द भुगतान कराने की मांग की। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। हापुड़ की पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए ई हापुड़ न्यूज़।